अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। एक दिन घर का काम कर लूंगी तो तुम्हारी ब्यूटी नहीं चुरस जाएगी। हे नंदनी नंदनी नंदनी, मुझे लगता है तुम्हारी साड़ी के साथ ये वाला शेड बहुत मैच करेगा। लाओ अपने खूबसूरत हाथ धो दो, मैं खुद लगा दू। ओके, तुम्हें पता है तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बीवी हो। नेल पेंट लगाने का इरादा है या मक्खन? क्योंकि तुम्हारी दीदी की करतूत पता चली होगी, है ना? कैसे उन्होंने मेरे साथ नौकरों से भी बदतर बिहेव किया है। तुम्हें पता है मैं दीपक भैया को ना दवाई देने गई थी और उन्होंने मुझ पे। खैर, मेरा मूड बहुत खराब है, तुम दूर रहो मुझसे। हे नंदनी, कितनी बड़ी बात वैसे हुई नहीं होगी जितनी आप बड़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। खैर ये बताइए कि भैया को दवाई दी या नहीं? नहीं दी। क्यों दूं मैं दवाई? हाँ, मैं इस घर की नौकर हूँ, चार गालियां खा के भी चुपचाप अपना काम करती रहूं। और वैसे भी उनको दवाई देने का क्या फायदा, कोई फर्क तो पड़ता है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नेल पॉलिश लगाओ, दवाई मैं खुद दे दूंगा। मेरी मेहंदी तो बिल्कुल भी रची ही नहीं है, तुम्हारी दिखाओ। दिखाओ ना, मुट्ठी क्यों बंद कर रखी है? यार मुट्ठी खोलो ना रीवा। श्रुति दी, इतनी अच्छी मेहंदी तो लगी आपकी। हाँ बहुत, इसमें राज का नाम मैं खुद ही नहीं ढूंढ पा रही हूँ, राज पता नहीं कैसे देखेगा। तुम अपनी मेहंदी दिखाओ। जैसे हाथ तो तुम्हारे लग रहे हैं रेवा। क्या हुआ, इतनी तेज तेज क्यों बात कर रही हो तुम रेवा से? मम्मा देखो ना, मेरे हाथ में बिल्कुल भी अच्छी मेहंदी नहीं लगी है, बिल्कुल भी कलर नहीं आया है। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हाँ तो और क्या करूं, वो औरतें भी कह रही थी कि अगर मेरे मेहंदी में रंग नहीं आएगा ना तो मेरे ससुराल वाले मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करेंगे और मेरा पति तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करेगा। मम्मा श्रुति बेटा, ऐसा नहीं होता है, और आराम से रुक, अभी वक्त ही कितना हुआ है, सुबह तक देखना मेहंदी का रंग एकदम गाढ़ा हो जाएगा। और अगर नहीं आया तो? हाँ श्रुति दीदी, आप तो इतनी परेशान हो रही है, आपके नासों से आपकी मेहंदी का रंग गाढ़ा नहीं होगा। आप ना लौंग का तेल लगाइए, उससे आपकी मेहंदी का रंग एकदम गाढ़ा हो जाएगा। पक्का? हाँ जाओ, मैं लेके आती हूँ। हाँ हम आते हैं। अभी श्रुति दीदी ने नाम देख लिया होता तो बहुत ही समस्या हो जाती, बचा लिया है शंकरा ने। बचपन में ही तुमने हमें अपने माँ बाप से अलग करके दो जल्लादों के हाथों सौंप दिया। हमने तब तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि क्योंकि हमने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त समझा।
हमारी जिंदगी में एक के बाद एक परीक्षा लेते चले गए और हम चुप रहे। लेकिन और कितना कितना संगो ये जानते हुए कि हमरे और इनाम के जुड़ जाने से दो परिवार बर्बाद हो जाएंगे। इस शादी वाला घर मातम में बदल जाएगा। फिर भी तुमने उस इंसान को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया जिससे हम जी जान छुड़ाकर भागते फिर रहे थे, और तो और सहरी साहब से वादा भी करवा दिए कि शादी तक हम ये घर छोड़ के नहीं जा सकते। प्लीज रेवा, कसम है आपको, रुक जाइए। वाह शंभू, वाह, क्या लीला रचे हो तुम। ये क्या किया तुमने? अगर ये हमारी परीक्षा है तो हम भी तुम्हारी सौगंध खाते हैं कि हम श्रुति दीदी और सहरी साहब के बीच कभी नहीं आएंगे। हमारी शादी का राज कभी नहीं खुलेगा, चाहे इसके लिए हमें अपनी नियति से क्यों ना लड़ना पड़े। क्या नाम है आपके पति का? नाम कभी हमारी नियति नहीं बन सकता। उनका नाम आज मेरे हाथों की लकीरों से मिटा कर रहूंगी।